नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट क्या बंद हुए? पूरे देश में हाहाकार मच गया, लेकिन आज आखिरकार वो राहत का दिन आ ही गया जब जनता को नए नोट मिलने का इंतजार खत्म हो गया। हालांकि जल्द ही एक नई समस्या भी खड़ी हो गई है। लोगों को पैसे तो मिले, लेकिन 2000 रुपए के नए नोट के तौर पर, क्योंकि बैंकों के पास भी छुट्टे पैसों की कमी हो गई है। इस पर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम रिपोर्टर जुड़ेंगे, दो फाइनेंशियल एक्सपर्ट और SBI के MD रजनीश कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। उम्र में हम मेरी लाइन में खड़ा रहेंगे, धक्का मार देगा, चले जाएंगे। ये जो भी हो रहा है अपने लिए हो रहा है, बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। क्या गांव, क्या शहर, क्या देश के मेट्रो नगर, हर जगह बैंकों के बाहर और अंदर ऐसी ही लाइनें देखने को मिली। हर व्यक्ति बस अब पुराने नोटों से छुट्टी पाना चाह रहा था और नए नोटों को अपनाने को बेकरार था। यही वजह थी कि दिल्ली NCR में तो सुबह 7 बजे से ही बैंकों के बाहर लंबी लाइन देखने को मिली। मुंबई में भी बैंक के दरवाजों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। बैंक्स में बहुत लोग आने वाले थे, फुटफॉल हाई होने का एंटिसिपेशन करने वाली बैंक्स ने काफ़ी तैयारियां भी कर रखी थी, लेकिन एक कस्टमर यहां पे है जो सेटिस्फाइड नहीं है और जिन्होंने अपनी मनी डिपॉजिट करने के लिए आप आए थे, लेकिन आप बिना डिपॉजिट किए ही जा रहे हैं। क्या वजह थी, किस तरह का अंदर एक्सपीरियंस रहा आपका ब्रांच में? देखिए, अंदर बहुत गर्दी है, कम से कम 100-150 लोग हैं। ये ज़्यादा बड़ा ब्रांच नहीं है, बट आई हैव टू गो टू ऑफिस, तो कम से कम 1.25 घंटा लग जाएगा। लोगों की लाइन सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थी। एक लंबी लाइन जो है यहाँ सुबह से ही लगी हुई है। लोग जो है पैसे एक्सचेंज कराने के लिए या फिर डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉल के लिए सुबह से ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। काफी लोग जो है वो अंदर जा भी चुके हैं। कई लोगों को कुछ परेशानियां भी हो रही हैं जो सुबह से खड़े हुए हैं। दिल्ली मुंबई के अलावा कोलकाता और चेन्नई की तस्वीरें भी अलग नहीं है। आज सुबह से ही इन दोनों शहरों में भी बैंकों के बाहर भारी भीड़ देखी गई। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोगों को शिकायतें करते भी देखा गया। पुराने नोट थे जो फिलहाल बदलना चाहते हैं और बैंक के जो प्रोसीडियर्स है वो भी शुरू हो गए। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वो तैयारी कर रही है। ये सोचा था आपने इतनी लंबी हुई? नहीं, इतना लंबी तो नहीं सोचा था। लंबी लाइन लगी हुई है और कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। जम्मू में लोगों को 2000 और 500 के नोट नहीं मिले, सिर्फ 20, 50 और 100 के नोट ही दिए गए। इसके अलावा भी नोट बदलने में कई तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आई। हालांकि लोगों को परेशानी कम से कम हो, इसके लिए कई प्राइवेट बैंक आज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या परेशानियां या क्या दिक्कतें या कोई सजेशंस आपके हैं हमारे लिए, आप हमें लगातार भेज सकते हैं और हम जो जिस प्लेटफॉर्म पर हमें भेजना है वो लगातार हमें बता भी रहे हैं। कई दर्शकों के रिएक्शन भी हमारे पास आए और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी हैं। हमारे साथ दिल्ली से समीर दीक्षित, अहमदाबाद से केतन जोशी, देहरादून से सोनू और फाइनेंशियल प्लानर हर्ष शुंगटा हमारे साथ। कुछ देर में हमारे साथ SBI के MD रजनीश कुमार भी जुड़ेंगे। सबसे पहले समीर, मैं आपके पास आऊंगी। लंबी लंबी कतारें बैंक के बाहर हम देख सकते हैं डेफिनेटली। फिलहाल सुबह से अब तक क्या लोगों को परेशानियां हुई है या सहूलियत मिली है, रिएक्शन क्या रहा है? लोग निराश तो वापस नहीं लौट रहे हैं, सुबह से अब तक क्या रिएक्शन मिला है?
जी बिल्कुल स्वाति, मैं दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन साथ ही अहम यह है कि लोगों को असुविधा ना हो और शांति व्यवस्था बनाए रहे, इसलिए दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं कि कतार में जितने भी लोग हैं वो सही से अपनी जब उनकी बारी आए तब वो वहाँ तक पहुँचे। दिल्ली पुलिस के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इस सभी लोग काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ पर मौजूद हैं ताकि जब उनका नंबर आए तो वो वहाँ तक पहुँच सके। आपसे समझना चाहूँगा, आप कितनी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? मेरा नाम कृष्ण पाठक है, मैं पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी का बहुत अच्छा कदम है क्योंकि हमें आर्थिक रूप से आतंकवाद से लड़ना बहुत जरूरी है। जब हम अपने घर को साफ करें, दिक्कत आपको है शायद आप उससे लड़ने? बिल्कुल बिल्कुल, हम रोज ऑलरेडी उस चीज से लड़ते हैं। हमारे जब जवानों के शहीद होकर आते हैं तब हमारा रूह कांपती है कि ये रोज क्या हो रहा है। आप कितनी देर से यहाँ पर हैं और आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम जो आप थोड़ी बहुत फेस कर रहे हैं, 2-3 घंटे खड़ा होना पड़ रहा है, ये इससे ज्यादा आपको लंबे टाइम पे कोई दिक्कत? मत नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई हमें दिक्कत हो रही है क्योंकि आगे अगर हम फ्यूचर परस्पेक्टिव अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से जैसे जवान हमारे लिए कुर्बान हो रहे हैं। आपकी क्या राय इसमें, क्या है इतना बड़ा फैसला है तो इसके लिए हम लोगों को इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है? सवाल हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कोई पूछना चाहे जो भी होगा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ऐसा कोई सवाल जो आप हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कोई पूछना चाहें, कोई ऐसी तकलीफ जो आपको लगता है कि वो सवाल आप पूछना चाहेंगे? जी जी, एक्चुअली क्या है कि जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जिसमें आप हॉस्पिटल्स को लगा लीजिए या फिर आप डेली नीड्स के लिए जहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ थोड़ा हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि लोग परेशान हल्के से ना हों। स्वाति जी, तीन चीज़ें यहाँ पर आप देखें तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस के जवान हैं, लोगों को जो इंतज़ार करना पड़ रहा है उसके लिए इतनी शिकायत नहीं है क्योंकि जो बड़ा फैसला सरकार ने यहाँ लिया है लोग उसके समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो अहम जो इमरजेंसी के लिए जैसे हॉस्पिटल है या फिर बैंकिंग प्रणाली में जो उनको लगता है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं रोज़मर्रा की, डेली जो नीड्स होती है, डीलिंग्स होती है, उसको कैसे पूरा करेंगे क्योंकि फिलहाल कैश सरप्लस में नहीं है, ये सवाल हम एक्सपर्ट से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले केतन, मैं आपके पास आऊंगी, वहां पर लोगों की दिक्कतें क्या है, परेशानियां क्या है और कुछ सवाल जो वो हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर आज सुबह से लंबी लंबी कतारें तो देखने को ज़रूर मिली थी, लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद है वो है पंजाब नेशनल बैंक नेहरू नगर शाखा में हम मौजूद है। यहाँ पर आप जरा देखेंगे कि लाइन छोटी आपको दिखेगी, लेकिन बैंक ने एक व्यवस्था की है कि जिनकी टर्न है उनको ही वो अंदर भेजते हैं ताकि काउंटर के ऊपर केओस ना हो। यहाँ अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं और स्मूथली ऑपरेशन चले, यही प्रयास है बैंक का। हम बैंक के अधिकारी से थोड़ी सी बात करते हैं कि आज आपने यहाँ पर किस तरह की अरेंजमेंट किए हैं ताकि थोड़ा सा जो दूसरी बैंकों की तुलना में यहाँ रश भी कम है और शांति से सब आप एक्सचेंज करवा रहे हैं नोट्स। सर, एक्चुअली एज एक्सपेक्टेड कल से सभी को पता था कि बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, तो कल स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही हम लोगों ने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कैश के बंडल बनाना हुआ, प्लस बाहर 2-3 टेबल्स हमने अरेंज की हुई हैं, 1-2-3 काउंटर्स के थ्रू कस्टमर्स को एंटर होके जाना पड़ रहा है, तो उसे क्रॉस चेक वेरीफिकेशन वगैरह सब अच्छे से हो रहा है, तो अंदर आके उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ये चीज़ है। बिल्कुल, और हमारे फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट वहाँ बैठे हैं वहाँ उनको एक सवाल मैं यहाँ के ग्राहकों की ओर से पूछूंगा क्योंकि बैंक में भी बार बार इस तरह के फ़ोन आ रहे, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्लियर नहीं किया था कि कौन से अकाउंट, करंट अकाउंट भी होता है, लोन अकाउंट भी होता है और सेविंग अकाउंट भी होता है, तो क्या 4,000 की लिमिट है सबके लिए लागू है या करंट की अलग अलग स्थिति है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10,000 तक के आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं करंट अकाउंट पे, नोट एक्सचेंज के, तो हमारे एक्सपर्ट है उनसे हम यहाँ के लोग ये जानना चाहेंगे कि करंट और लोन अकाउंट की क्या स्थिति है या तो सबको एक समान अभी है, ये एक उनसे आप सवाल जरा पूछिए। जी 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 केतन, डेफिनेटली क्योंकि सवाल बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं, कुछ सवाल भी हम लगातार लेते रहेंगे, हर रूंगटा हमारे साथ लगातार है। क्विकली मैं सोनू के पास जाना चाहूंगी देहरादून में, सोनू वहां पर स्थिति क्या है और सवाल हमारे एक्सपर्ट के लिए लोगों की तरफ से। बिल्कुल श्वेता, हम कह सकते हैं कि अब से कुछ समय पहले तक देहरादून के जितने भी बैंक हैं जो उत्तराखंड की राजधानी है यहां पर तमाम लोगों की कतार देखी जा रही थी, लेकिन अब जो है अगर हम इस बैंक की बात करें जहां पर हम मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं कि
अब जो कस्टमर हैं वो अधिकांश जो हैं वो बैंक की जो बिल्डिंग है उसके अंदर पहुंच चुके हैं और अभी भी आवाजाही लगातार जारी है और लोग परेशान हो रहे हैं, खास तौर पे वो लोग जिनके घर में फंक्शन है, जिनके घर में शादी है और जिनको जरूरत है और जो पूरी तरह से एटीएम पर निर्भर हो गए हैं, उन लोगों को परेशानी हो रही है। लोग क्या कह रहे हैं, बातचीत करने के लिए एक यहाँ के कस्टमर हमारे साथ मौजूद है। आप ये बताइए, आपके हाथ में हम ये पासबुक भी देख रहे हैं, कितने आप परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, बार बार चक्कर काट रहे हैं, सुबह जब हम आए थे तब भी आप थे और अभी भी मौजूद हैं। और मेरा मानना है कि हम लोग जब वोट देने के लिए लाइन पे खड़े हो रहे हैं, हम लोग अपने बच्चे के स्कूल के एडमिशन के लिए वहाँ लाइन पर खड़े हो रहे हैं, हम तमाम चीजों के लिए लाइन पर खड़े होंगे, तो आज अपने जो हमने एक नंबर में पैसा कमा रखा है उसको लेने पे ले अगर लाइन पे खड़े हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मानना है कि जब हमारे देश का सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए वहां पर खड़ा है, जो -22 डिग्री टेम्परेचर भी वहां खड़ा हो सकता है, तो हमें यहाँ 2-4 घंटे खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मानना है इस देश की रक्षा के लिए जो देश आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, जी जी जी, इन सबको बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं ये बहुत अच्छा है, बाकी सराहनीय है ये कदम।